right? You should be. Right. So, Honorable Sir, unfortunately, in the message, implement. यूनियन की तरफ से उसको ड्रग किस एडिक्शन सेंटर में ले जाए, उसको वो उस नशे से नजात ले बाहर जाए, और वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज वो लिखते हैं, वो बना हो रहा है, वो सुपौल में भी हो रहा है और वो टंगमटंग में भी हो रहा है। हमने एक दो बार ड्राइव किया था ना, पॉसिबल नहीं है कि हम इस एक महीने के अंदर उन सब तक पहुंच सके, वहां पे जा सके। तो इसलिए मैंने इनको कहा था कि उन सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टैंड्स हैं, चाहे सोमो स्टैंड, मिनी बस स्टैंड, बस स्टैंड, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया जाए, यहाँ पे एक ही जगह में इकट्ठा किया जाए, ताकि हम उनसे इंटरेक्ट करके उनको थोड़ा अवेयर करें रोड सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में, ताकि वो कल जाके अपने अपने स्टैंड पे अपने सारे ड्राइवर्स को इकट्ठा करके हमारी वो बातें उन तक पहुँचाए और एक रोड ट्रैफिक सेंस और रोड सेफ्टी नॉर्म जो है वो इनकलकेट हो जाए हमारे ड्राइवर कमर्शियल ड्राइवर्स के अंदर, और वो रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करके गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक रूल वायलेशन है, एनफोर्समेंट हमारी चलती रहती है, ट्रैफिक पुलिस की भी चलती रहती है, और फिलहाल रोड सेफ्टी मंथ में तो एक रिक्वेस्ट ही इनसे मैं कर रहा हूँ कि ये ओवरलोडिंग ऐसे और कोई भी बाकी वायलेशन में इंडल्ज ना हो जाए। बाकी जो हमारे एनफोर्समेंट ड्राइव स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत जल्द, उसमें हम उनको इंशाल्लाह चेक करने की कोशिश करेंगे। पूछा कि जो अगर कोई कंडम गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट चल रही है, उनके खिलाफ जो एनफोर्समेंट में जो भी गाड़ी वैसे हमें मिलेगी उसको हम सीज करने जा रहे हैं। ओवरलोडिंग का बहुत बड़ा मसला, और वो ड्राइव हम जल्द बहुत जल्द स्टार्ट है, वो ऑलरेडी म्यूनसिपल कमेटी और डी साहब की नोटिस में लाया गया है, शायद मतलब बाकी पुलिस नहीं अभी बन भी जाए, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियां तब भी ये सड़कों पे नहीं रह सकते, तो स्टैंड में गाड़ी रखें। बिल्कुल सही है, ये हम आए ही थे कि अवेयरनेस करने के लिए, ये मैं अगर मैं ये पॉइंट मिस कर गया तो ये अभी सभी इधर ये सारे हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स, इनसे मैं ये अभी इस टाइम रिक्वेस्ट ही करूँगा कि ये अपनी सोमोज सड़कों पर ना रखें, बस स्टैंड्स में रखें उस, और इनको मैं एक टाइम लाइन भी दूंगा, उसके बाद फिर हम ड्राइव करेंगे। नोट्स में एक चिट्ठी लाई थी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला के, उनको आप एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में मैं भी शिरकत करूं, ताकि मैं उनको रोड सेफ्टी व्यक्ति के लिए कोई हिदायत दूं। यही संदेशा भेजा कि जो भी आपका ड्राइवर साहबान तेज चल रहा है या गफलतशाही कर रहा है, जिससे कीमती जाने जाया होती है, हम सब लोगों को, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी कोई चलाता होगा या कमर्शियल गाड़ी, सब लोगों को यही अवेयरनेस करना है कि हम आराम से गाड़ी चलाएं, ताकि जानी नुकसान ना हो जाए।